दुर्घटनाओं में बहुत मौतें हो रही थी और हमने कारण देखा क्या है, कारण बस ये था कि घायल आदमी पड़ा है उसको अस्पताल पहुंचाने में देर हो जाती है, डॉक्टर भी ये कहते हैं थोड़ी पहले आ जाता तो शायद ये बच जाता, वो किसी का भी कोई भी हो सकता है। अब दिल्ली सरकार ने ये किया है कि अगर कोई घायल आदमी एक्सीडेंट से पड़ा है जो उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाएगा उस आदमी को 2000 रुपया नगद इनाम है। अब ये होता है ऑटो वाला मेरी सवारी खराब हो जाएगी, अब वो सवारी की चिंता नहीं करता, उसको लगता सवारी तो 200 देगी इससे 2000 रुपया, और इंसानियत के लिए 2000 कुछ नहीं है पहला। दूसरा ये है कि आपको पुलिस हैरासमेंट होगा कि भैया मैंने तो ना कर रहा है, वो भी बिल्कुल आपसे नहीं होगी, आपका सिर्फ नाम और नंबर ले लिया जाएगा और आपसे कोई किसी तरह की पूछताछ पुलिस नहीं करेगी अगर आपने घायल को पकड़ा। तीसरा क्या है कि पहले घायल को पहुंचाने के लिए लोग सोचते थे कि गरीब आदमी है या घर के किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये होता था कि सरकारी में कराओ प्राइवेट में ले गए तो बहुत मोटा इलाज हो जाएगा। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि घायल को उठाकर नज़दीक चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है अगर आप लेकर जाते हैं तुरंत उन्हें लेना होगा, इलाज शुरू करना पड़ेगा, इलाज में 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 भी खर्चा हो दिल्ली सरकार ने समय पर नहीं पहुंच पाया किसी का बच्चे ना किसी का पति। अब ये कि उस घटनाओं में कमी आई है लेकिन उसकी बहुत लोगों को जानकारी किसी को भी करेगा भैया इसको उठा के पहुँचा दे और अगर कहे कि हॉस्पिटल ने नहीं लिया या मेरा जो दिल्ली सरकार ने नगद इनाम किसी ऑटो वाले ने कहा मैं लेकर नहीं, सिंपल हमारा एक नंबर है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ 8588833420 व्हाट्सएप नंबर है कर दीजिए, हम देखेंगे अस्पताल के खिलाफ। तो ये काम हम सब लोग